Today we are going to start a new subject, that is the Transfer of Property Act 1882. This is really some tough act. It is one of tough acts. You should have some knowledge of Indian Contract Act. If you have a knowledge of Indian Contract Act, you can understand this act very easily. Otherwise, it will seem to you some tough. बैठो जल्दी बैठो. लेट आ रहे हो? लेट नहीं आना है. पहली क्लास में लेट आ रहे हो. लेट का नहीं करना है, ठीक है? तो थोड़ा सा कठिन है, लगने को लगता है पतला सा ये एक्ट है, बट इट इज मेजर एक्ट. सिविल का जो पूरा पार्ट है, सिविल लॉ का, उनमें कोर्ट में क्या आते हैं? विभिन्न प्रकार के झगड़े. क्या आते हैं? झगड़े. झगड़े मींस टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स. सम आर सेइंग दिस इज माइन, सम आर सेइंग दिस इज माइन, हु इज करेक्ट, हु इज नॉट करेक्ट. इट शैल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस. फ्रॉम विच प्रोविजंस? इफ प्रॉपर्टी came from anywhere अरे लेट आने की आदत बना रखी, फिर आदत बना ली है. जब पहले ही पता थी चलो, जब तक कुछ जनरल बातें समझने की कोशिश करो. देखो, थोड़ी थोड़ी चीजें समझो, जब तक और लोग आ जाएंगे. जनरल बातें बता रहा हूं. कुछ शब्द आए हैं यहाँ पे. एक शब्द है संपत्ति, प्रॉपर्टी. अभी कुछ नहीं लिखना है, लिखने की जब मैं कहें जब लिखना है. संपत्ति का मतलब क्या है? कितने लोग जानते हैं संपत्ति क्या होती है? हैं? कितने लोग जानते हैं संपत्ति क्या होती है? प्रॉपर्टी क्या चीज है? देखो, प्रॉपर्टी का मतलब है लेट नहीं आ सकते. आओगे ना लेट तो कल से एंट्री नहीं है. दो चीजों की एंट्री किसी भी कंडीशन में मेरी क्लास में नहीं है. हु विल प्रेजेंट फ्रॉम टुडे इफ बीच में क्लास में नहीं आया, ही कैन नॉट कंटिन्यू दिस क्लास. आज आ रहा है, बीच में गैप किया तो आगे आप क्लास नहीं आ सकते. फिर आप नेक्स्ट बैच में आइए, दूसरे में. इस क्लास में आपको आने का राइट खत्म हो जाएगा. आप छुट्टी नहीं ले सकते. मैं अपने हिसाब से ही क्लास चलाता हूँ. पिछले 15 साल से ऐसे ही चलाता हूँ, इतना टफ चलाता हूँ. तो मेरे नेचर से वाकिफ हैं जो स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा. दूसरी, लेट नहीं आ सकते, ठीक है ना? मैं तुम्हारा टाइम है यहाँ 8:30 बजे आने का. आधा घंटा यहाँ आके रिवाइज करो, क्यों पूछी जाएंगी चीजें, क्वेश्चन पूछे जाएंगे. भैया तुम नहीं आ रहे, टाइम पे नहीं आ रहे, तो जैसे ही आते ही क्वेश्चन पूछते हैं, उस समय तुम बताने की स्थिति में नहीं होगी. तो कम से कम 30 मिनट आपके पास होंगे जो जिन्हें रिवाइज करने की स्थिति होगी.
आप आते हो इतने टाइम पे, यदि लेट आना है तो सिर्फ मेरे को राइट है लेट आने का, आपको नहीं है। सर शायद आपसे कहते नहीं है इसलिए आप लोगों ने आदत बना ली, जैसे बीच में गैप किया लेट आ रही है। हाँ 2 मिनट नहीं, 8:30 का है तुम्हारा टाइम आने का, आधा घंटा यहाँ बैठ के पढ़ोगे। टीचर का है टाइम 9 बजे आने का, बैठो। देखो क्या होता क्या है, मैं कुछ बताऊंगा ना उस चीज से आप वंचित रह जाएंगे, चीजें रिपीट में नहीं आती, रिपीटेशन में नहीं आती, और उसकी कनेक्टिविटी आगे तक होती है, तो फिर आपको लॉस होगा। देखो समझो, मैं बता रहा था कि एक शब्द है संपत्ति या प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी या संपत्ति से मतलब क्या है? पहली बात, आप सब जानते हैं संपत्ति क्या है, लेकिन उसे डिफाइन नहीं कर सकते। संपत्ति तो आप समझते ही हैं, सर ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी स्कूटी है, ये मेरी संपत्ति है, मेरी मोटरसाइकिल है, मेरी संपत्ति है, ये मेरा खेत है, मेरी संपत्ति है, ये मेरा घर है, मेरी संपत्ति है। बट आई एम आस्किंग इट्स डेफिनेशन, द थिंग विच हैज एनी मार्केट वैल्यू, ऐसी कोई चीज जिसकी कोई बाजारू कीमत होती है। क्या होती है? बाजार की कीमत। तो एक शब्द क्या निकल कर आया? मार्केट वैल्यू। अब प्रश्न उठता है कि मार्केट वैल्यू किस चीज की है? देखो ये मेरे हाथ में इस पेन का कैप है, इस मेरे हाथ में क्या है? पेन का कैप है। मैं कहूं भाई मेरे को, आप में से कौन इसे परचेज करना चाहता है, तो इसे परचेज करने के लिए यहां इस क्लास में कोई तैयार नहीं होगा, और इवन बाहर भी मैं इस कैप को बेचने जाऊं तो नो वन सर रेडी टू परचेज इट, कुछ नहीं होगा। क्यों? तो इज इट प्रॉपर्टी? अब ये प्रॉपर्टी की कोटी में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि मार्केट वैल्यू नहीं है। जैसे मैं एक मिट्टी हाथ में भरूं और मैं कहूं आपसे कि इस मिट्टी को परचेज करोगे क्या, तो आप क्या कहोगे? नहीं नहीं कौन करेगा परचेज, फेंक दो इसको। सभी यही कहेंगे, कोई खरीदेगा क्या इतनी सी मिट्टी को? नहीं खरीदेगा। तो इसका मतलब मार्केट वैल्यू नहीं है उस चीज की। इट इज नॉट प्रॉपर्टी, इट इज नॉट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू होना जरूरी है कोई भी चीज है। फिर प्रश्न उठता है कि मार्केट वैल्यू होना जरूरी है। अब जैसे आप जाते हो अपनी मोटरसाइकिल लेके गए, मोटरसाइकिल में से हवा निकल गई है, हवा कहां से खींची उसने? वातावरण से खींची, और उस वातावरण से खींची हुई हवा को आपके टायर में भर दिया, उसके बदले में पैसे लिए। क्या किया उसने? हवा क्या हो गई? प्रॉपर्टी, क्योंकि उसकी अब मार्केट वैल्यू हो गई। अब देखते हो ना कई बार बड़े बड़े टैंकर जा रहे होते, पूछा जाता है उसमें लिखा हुआ नाइट्रोजन, क्या किया, कहां से लाया उस नाइट्रोजन को? आकाश में से ही खरीदी, यहां मैक्सिमम नाइट्रोजन ही है, 78% नाइट्रोजन ही है वातावरण में, उसी से तो उसने खींची, लेकिन वो लाखों रुपए की है। क्या समझ में आई? मार्केट वैल्यू। तो प्रॉपर्टी की क्या होती है? मार्केट वैल्यू। अब प्रॉपर्टी 2 तरह की हो सकती है, कैसी कैसी हो सकती है? टेंजिबल हो सकती है, इंटेंजिबल हो सकती है। विच कैन बी परसीव, दिस इज दिस पोडियम कैन बी परसीव, इसको छू के महसूस किया जा सकता है। ऐसी चीज भी हो सकती है जिसे महसूस ही ना किया जा सकता हो, जैसे इसमें सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, अभी वीडियो बनेगा, सॉफ्टवेयर महसूस करेंगे क्या? देख सकते हैं। तो देखना भी महसूस करना ही है, देखना भी महसूस करना ही है। जैसे कैसे महसूस कर रहे हो? हमारी इंद्रियां हैं, हमारे जो सेंसर्स लगे हुए हैं, आंखें सेंसर ही तो हैं, मैं आपको देख रहा हूं ये सेंसर ही तो है,
तो जिसे सेंस किया जा सकता हो, विच कैन बी परसीव्ड, तो जिसे महसूस कर सकते हो तो कर सकते हो उसे महसूस। लेकिन कुछ और चीजें ऐसी हैं जिन्हें महसूस ही नहीं कर सकते, तो जिन्हें महसूस नहीं कर सकते वो भी प्रॉपर्टी है। वो भी क्या है? प्रॉपर्टी है। अच्छा, वो प्रॉपर्टी कैसी? जैसे आपने देखा होगा कि साहब मैंने ये मेडिसिन है और इस मेडिसिन को मैंने इजाद किया है, मैंने अपना दिमाग लगाया और इस मेडिसिन को बनाया। जब मैंने इस दिमाग लगाकर जब मेडिसिन को बनाया तो ये मेरा राइट है, मेरी बुद्धि लगी इसमें। राइट क्या चीज? राइट। तो प्रॉपर्टी, राइट क्या है? प्रॉपर्टी है। राइट क्या चीज है? प्रॉपर्टी है। तो जितने भी राइट्स हैं वो महसूस नहीं किए जा सकते, लेकिन वो हैं, एग्जिस्टेंस में हैं। जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, ये भी क्या है? राइट है। क्या ये प्रॉपर्टी नहीं है? प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी है। कॉपीराइट से लाखों पैसे, लाखों रुपया आता है लोगों को। तो है क्या चीज? राइट है। एक बार एक केस आया आगरा की म्यूनिसिपलिटी का। तो आगरा की म्यूनिसिपलिटी में क्या था कि जो कचरा इकट्ठा होता था और वो कचरा गोबर, पहले लोग गायें भैंसे पालते, उसका गोबर इकट्ठा होता था, कुछ लोग उसे इकट्ठा करते थे। तो एक हाजी सुखान थे, उनका मामला था। तो प्रश्न ये उठा कि ये जो कचरा उठाने का जो अधिकार है, क्या ये भी ट्रांसफरेबल है? क्या ये अधिकार भी प्रॉपर्टी है? तो प्रश्न हुआ कि भाई ये जो कचरा उठा रहे हैं, क्या इनके बच्चों के पास बाद में कचरा उठाने का राइट जाएगा? उन्होंने कहा जाएगा। तो प्रश्न उठा कि ये प्रॉपर्टी नहीं है। कोर्ट ने बताया कि नहीं, ये भी संपत्ति की कोटि में आता है, ये भी प्रॉपर्टी है। क्या है ये? प्रॉपर्टी है। तो राइट भी क्या है? प्रॉपर्टी है। जैसे एक तालाब है और तालाब में एक परिवार मछली पकड़ता था, उसके पिता की डेथ हो गई, बाद में उसका बच्चा छोटा था, बड़ा हुआ तब तक दूसरों ने कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा साहब ये तो मेरा तालाब है, मछलियां मेरी थी। उन्होंने कहा मछलियां तो किसी की भी नहीं है, मछलियां तो अपनी स्वतंत्र हैं, जो पकड़ लेता है उसकी हैं। बोले ना, उठने का ना, मछली पकड़ने का जो अधिकार है वो इनके पिता के पास पहले था और अब उनके बच्चे के पास जाएगा। अधिकार क्या है? प्रॉपर्टी है। अधिकार क्या है? प्रॉपर्टी है। तो आपको क्या समझ में आया कि प्रॉपर्टी की कोई मार्केट वैल्यू होनी चाहिए? प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। दूसरी बात क्या आई समझ में? कि प्रॉपर्टी दो तरह की हो सकती है। कैसी? एक टेंजिबल हो सकती है, एक इंटेंजिबल हो सकती है। इंटेंजिबल में सारे अधिकार आते हैं। क्या आते हैं? अधिकार। और अधिकार को इमूवेबल प्रॉपर्टी में रखा। कौन सी प्रॉपर्टी में रखा? अचल संपत्ति। ध्यान रखिएगा, कैसी संपत्ति है? अचल संपत्ति की कोटि में आती है। एक तरह हम देखते हैं अचल संपत्ति, भाई घर मकान, यही दिमाग में आते हैं, बट राइट्स आर आल्सो इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेट आओगे तो काम नहीं चलेगा, लेट नहीं आना है, क्योंकि जो चीज बता दी अब वो एकदम दिमाग में आएगा नहीं कि यार ये कैसे हो गया ये, क्योंकि आगे जब सेक्शंस में आएगा तब आपको दिक्कत आएगी। सब्जेक्ट जब भी शुरू हो रहा हो तो वो पहली क्लास नहीं छोड़नी है। ये तो मूर्खता वाली बातें हैं। पता नहीं था, जब क्लास बंद की थी उसी दिन बताया था 3 तारीख को शुरू होगा। सीआरपीसी जिस दिन बंद की थी, जब सीआरपीसी का नया एक्ट आया था उस दिन बोला था मैंने 3 तारीख को टीपी शुरू होगा।
समस्या ये नहीं है, समस्या और है। जब हम सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं अधूरा, पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं अधूरा। ऐसा थोड़ी हो सकता था कि मेरे को याद नहीं रहता। ये समस्या तो आपको साथ हो सकती है, मेरे साथ थोड़ी हो सकती है कि आप भूल गए कि हमें पता ही नहीं था तीन को क्या हुआ। ऐसा आपके साथ ही नहीं हुआ, कल नव वर्ष के लिए मेरे को एक ने फोन किया शुभकामना देने, तो मेरे से वो बोले कि स्वामी जी आजकल जा रहे हो क्या आप सुबह? मैंने कहा जाता हूँ, मुझे स्वामी जी ही बोलते हैं जो सन्यासी हमारे ग्रुप के जो सन्यासी। मैंने कहा जा रहा हूँ, कि हाँ मैं भी आना चाह रहा हूँ। मैंने कहा कल से ही आ जाओ, कल से ही आ जाओ। कहा मैं पक्का कल से आता हूँ। मैं सुबह ध्यान करने गया, आ गया, वो नहीं आया। मतलब हम बेहोशी में जाने कितनी चीजें बोल देते हैं। बोलो, मतलब तय किया ना कल से आना है, तो ये गलती कैसे हो सकती है? यही होश है कि हमने कुछ भी बोल दिया पर हमें पता ही नहीं रहा। ऐसे ही एक व्यक्ति के यहां मेरे को जाना था, तो मैंने कहा मैं 11 तारीख को आता हूं। अब वो तो भूल गए। मैं घर पर बैठ कर पहुंचा, अरे ये तो बात पहले बहुत दिन बाद हुई, दोबारा आपने फोन ही नहीं किया। मैं दोबारा फोन क्यों करता, मैं तो भूल ही गया था। खैर, तो संपत्ति का मतलब क्या समझ में आया? मार्केट वैल्यू। दूसरा मतलब समझ में आया, दो तरह की हो सकती है। दो तरह की का मतलब है टेंजेबल इंटेंजेबल। अधिकार भी इंटेंजेबल में आते हैं और ट्रांसफरेबल होते हैं। अब दूसरा शब्द आता है संपत्ति, फिर दूसरा शब्द है अंतरण या ट्रांसफर। दूसरा शब्द है अंतरण या ट्रांसफर। अंतरण या ट्रांसफर शब्द का अर्थ क्या है? अंतरण या ट्रांसफर शब्द का मतलब क्या है? अलग अलग शब्दों का उपयोग भी होगा। कन्वे करने को भी ट्रांसफर बोलते हैं, कन्वेंस, ट्रांसफर, और भी कई शब्दों का उपयोग होगा। ट्रांसफर शब्द का मतलब क्या है? अंतरण का मतलब क्या है? देखो, मान लो ये इंस्टीट्यूट की बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को मैं इधर आपको बेचता हूं कि प्रॉपर्टी अंतरण हो गई। अरे प्रॉपर्टी थोड़ी कहीं गई, तो क्या गया? स्वामित्व। और स्वामित्व भी क्या है? हक। क्या है स्वामित्व? हक। हक को ही राइट बोलते हैं। हक को क्या बोलते हैं? राइट। राइट ट्रांसफर होते हैं। क्या ट्रांसफर होते हैं? राइट। संपत्तियां ऐसे कहीं नहीं जाती एक स्थान से दूसरे स्थान में। हाँ, मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो किसी ने कार बेची तो कार को आप ले जाइए, कार को आप ले जाइए, तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई। लेकिन जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, उनमें क्या ट्रांसफर हो रहा है? राइट। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि राइट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। राइट क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो अंतरण से समझ में क्या आया कि संपत्ति के हक का एक से दूसरे व्यक्ति में। अब एक से दूसरे का मतलब क्या है? एक से दूसरे व्यक्ति में समाहित होना, वेस्टेड होना, वो अंतरण है। क्या है? वो अंतरण है। जैसे आपने कोई सामान बाजार से खरीदा, ठीक है, बाजार से एक सामान लेकर आए, और सामान लाके आपने बाहर लिया, सड़क पर गए और उसमें माचिस की तीली लगाई और आग जला दिया। दुकानदार दौड़ा दौड़ा आए, क्या कर रहे हो?
बोले जला रहा हूं। अरे भाई ऐसे कोई जलाया जाता है? उन्होंने कहा तुम्हें पैसे दे दिए ना? बोले हाँ, चलो बाहर, तुम्हें क्या लेना देना, मैंने जला दिया। यही चीज क्या है? हक। हक का मतलब क्या है? आई एम ओनर, आई कैन यूज माई प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई माइंड, यू कांट इंटरफियर इन इट। आपको राइट नहीं है, मैं जैसा चाहूं वैसा करूं। ये क्या है? अंतरण। ये क्या है? किसी में प्रॉपर्टी का समाहित होना, वेस्टेड होना। तो जिसके पास जो प्रॉपर्टी होती है वो उसका कुछ भी उपयोग करे, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके कुछ अपवाद हैं। जैसे आप पे 5 लाख रुपए हैं, ठीक है, आपके हैं, लेकिन आप आ गए और जाके माचिस की तिल्ली लगाई और उन्हें जला दिया, नहीं, ऑफेंस है, ऑफेंस है। क्यों? 5 लाख रुपया का जो अधिकार है वो तो आपका है, नोट आपके नहीं है। अब आप कहोगे कि नोट मेरे नहीं है, अधिकार मेरा है। हां, नोट आपके नहीं है, अधिकार आपका है। मैंने आपको अभी 500 रुपये आपने मोबाइल से फोन पे किए, कुछ गया क्या? राइट गया, 500 रुपये आपके, आपने देखा हाँ सर आ गए, आ क्या गया? नंबर आ रहा है इधर से, नंबर उधर गया, ना कोई कागज है ना कुछ है, क्या जा रहा है? सिर्फ राइट जा रहा है। और वो नंबर आ रहा है ना, वो नंबर ये बता रहा है हाँ यहां से ट्रांसफर हुआ, हाँ ये राइट मेरे पास आ गया, मैं इसका सबूत हूं। सिर्फ राइट ट्रांसफर हो रहा, दिख कुछ नहीं रहा। इसलिए नोट जलाओगे तो अपराध हो जाएगा। नोट चूंकि वो मुद्रा है, वो बहुत सारे लोगों के काम आएगी। यहां से राइट को ले जाने का तरीका बदल गया, अब तरीका मोबाइल आ गया। आने वाले टाइम में हो सकता है कि मुद्रा और कम हो जाए। क्यों? क्योंकि राइट को ट्रांसफर करने की चीज दूसरी आ गई। क्या आ गई? मोबाइल आ गया, लैपटॉप पे बैठे खट से हमने हमारा अकाउंट खोला, खट से आपके ट्रांसफर कर दिया, राइट ट्रांसफर कर दिया मैंने इधर से उधर, चीज तो कुछ नहीं गई ना। इसलिए नोट जला दोगे तो वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, उस वो तो सिर्फ एक ले जाने का, आपके अधिकार को यहां से वहां ले जाने का एक साधन है। वो साधन है किसका? गवर्नमेंट का है। इसलिए आप जलाओगे तो जेल जाओगे। बात समझ में आई? तो एक शब्द में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ट्रांसफर। तो ट्रांसफर शब्द को समझ में आया क्या आपके? तो ट्रांसफर में क्या जाता है? राइट। क्या जाता है? राइट। इस एक्ट का नाम है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो प्रश्न उठता है कि दो तरह की संपत्तियां होती हैं। अभी आपने टेंजिबल इंटेंजिबल कहा, लेकिन दो रूप और होते हैं संपत्तियों के। कौन सी संपत्तियों के? जो विच कैन परसीव्ड, जिन्हें महसूस किया जा सकता, टेंजिबल के। कौन कौन से होते हैं? मूवेबल और इमूवेबल। कौन से? चल और अचल। चल का मतलब है जिसमें स्थान परिवर्तन करने की क्षमता। चल का मतलब क्या है? जिसमें स्थान परिवर्तन करने की क्षमता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्षमता हो। यदि वो क्षमता नहीं है, ध्यान रखना, राइट को छोड़ देना, मैं पहले ही कह चुका हूं, राइट इसमें, राइट इमूवेबल प्रॉपर्टी है। राइट क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। हम बात कर रहे हैं मूवेबल की, राइट इसमें नहीं आते। हाँ,
कल से लेट मत आना, मेरे को डिस्टरबेंस होता है बहुत बहुत होता है, मेरे को रुकना पड़ता है, जब भी आप में से कोई दिख रहा होता है रुकना पड़ता है। और मेरे दिमाग पता क्या आती है, जैसे एक बार क्या हुआ, जब मैं पढ़ता था तो हमारे आदत तो हम में भी थी, आप जैसा वो जीवन तो मैंने भी जिया है, वो ऐसी क्लासों में मैं भी बैठा हूं, मैं लेट गया और मेरे समझ में नहीं आया यार, सर पता नहीं कैसा पढ़ा रहे, समझ में नहीं आ रहा। अरे बेवकूफ, समझ में तो तब आएगा ना जब टाइम पे जाता पहले ही, क्योंकि पहले बीज काय का बोया है, अब पेड़ ऊपर निकल कर आ गया, हम कह रहे यार बबूल है यार आम है। अरे जब बीज के टाइम पे देखता ना उसमें क्या था, या फिर फल आएंगे जब पता लगेगा, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी गलतियां मत करो। 1 तारीख को मैंने यही दिया था, आपने सॉफ्टवेयर को चेंज करो, सॉफ्टवेयर चेंज नहीं करोगे तो कोई जज नहीं बना सकता, सॉफ्टवेयर चेंज कर लोगे ना तो भी बन जाओगे, किसी की जरूरत ना पड़ेगी। सॉफ्टवेयर चेंज करो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, विनिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, और विनिंग सॉफ्टवेयर में लेट आना जज की तरह महसूस किया करो कि मैं जुडिशियल अफसर हूं, उसी तरह का व्यवहार, उसी तरह के विचार, उस तरह का चलना उठना बैठना बोलना सब कुछ उस तरह का आना चाहिए, होना चाहिए, अभी से होना चाहिए, ये चेंज करो, ठीक है ना। जब तो वो चेंज नहीं करोगे, अभी रास्ते में आ रहा था पुराने मेरे से पढ़ रखी एक लड़की मेरे से पूछती है, सर मैं अभी जुवेनाइल जस्टिस पढ़ ली, मैंने 10 बार पढ़ चुकी है। हाँ सर अभी भी ऐसा ही कठिन लगता है। मैंने कहा तेरे को 100 बार पढ़ेगी तो भी कठिन लगेगा, तू मूर्ख है। बोले सर कैसे, ABCD दोबारा पढ़ते हो क्या? नहीं। वो कैसे याद हो गई फिर सर? वो एक समझ से पढ़ी थी, जब बचपन में थोड़ी समझदारी ज्यादा थी, जितने बड़े हो उतने ही बेस ना समझ हो गए, समझ जब ज्यादा थी। समझ से पढ़ो, अभी भी ऐसा हो जाएगा। सर हमको क्वेश्चन ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन लिखना शुरू करूं? मैंने कहा वो एक बड़ी बेवकूफी। बोले वो कैसे? अरे सब्जेक्ट को परफेक्शन तक ले जाओ और फिर कुछ भी तुम्हारा मन करे वो पूछो, 10 साल के पूछो, 20 साल के पूछो, नए बनाओ पुराने बनाओ, क्या असर पड़ता है, कैसे भी क्वेश्चन पूछो, जिस चीज में आप माहिर हो परफेक्शन तक लेके जाओ ना सब्जेक्ट को, और परफेक्शन तक नहीं लेके गए, अरे कितने से लोग चले जाने हैं, 39,800 फेल होंगे, 40,000 अगर बैठेंगे तो 200 ले जाने, ऊपर के टॉप वाले ले जाने, टॉप पे लेके जाने वाले केवल वो टॉप पे जाएंगे जिनके जिनके सारे सिलेबस के सब्जेक्ट परफेक्शन लेवल के हैं, बाकी तो जाओ बाहर आउट, वही ले जाने, हर चीज पे परफेक्शन लेवल पर जाना है, कंसेप्ट परफेक्शन लेवल, याद परफेक्शन लेवल, लिखना परफेक्शन लेवल, हर चीज परफेक्शन लेवल, ऊपर के लिए जाने हैं, मेरिटोरियस बनाना है। कल इसका भाई आया, इसकी परफॉर्मेंस पूछने, एक तो मैं समझ में नहीं आया कौन है, पर मेरे को एकदम सकल से समझ में आया कि हाँ इसका ही भाई है ये, क्योंकि सकल मिलती है। सर वो पास हो जाएगा इस बार? मैंने कहा बहुत जल्दी कर रहा है। अरे भाई इतने हजारों लड़के बैठे हैं, लड़के लड़कियां, वो बेवकूफ है कि वो कहेंगे नहीं नहीं इसको पास हो जाने दो, हम पहले बाद में आ जाएंगे, ये कोई बस थोड़ी है किसी से कहें तुम पहले, यहां तो क्या होता मैं पहले, यहां तो क्या है मैं पहले, तो क्या करना पड़ेगा उस लेवल तक। अभी तो मैंने कहा नीचे के 40,000 में, नीचे का 40,000 है ना उसमें है, ऊपर वाले 200 में आने में तो टाइम लगेगा भाई। तो जो भी सब्जेक्ट पढ़ो परफेक्शन लेवल तक, इसलिए मैं कहता हूं कि जिस दिन शुरू कर ली क्लास टीपी मत पढ़ो, छोड़ दो टीपी को, आगे से शुरू करना, लेकिन पढ़ रहे हो तो इसको ऐसे परफेक्शन लेवल तक कि टीपी में कुछ भी पूछे, कोई भी पूछे, हमें सब आता है, ऐसा कोई चीज नहीं है हमें जो नहीं आती, और हमने तो आज तक ऐसा ही कर रखा है। ऐसा आपको चाहता हूं, मैं अपने से भी ज्यादा चाहता हूं कि आपको आना चाहिए, मेरे से भी ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि मेरे को तो चलो पढ़ाना ही है क्लास, मेरे को कोई एग्जाम देने नहीं आना तो, लेकिन मेरे से भी ज्यादा आना चाहिए, ऐसा चाहता हूं, ठीक है।
तो मैं बता रहा था दो तरह की संपत्तियां हैं, मूवेबल और इमूवेबल। तो मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो मूवेबल प्रॉपर्टी को मैंने बताया कि जिसमें संपत्ति में स्थान परिवर्तन की क्षमता हो। तो स्थान परिवर्तन की क्षमता किस किस चीज में होती है, ये बात आपके अपने आप समझ में आ गई होगी जिसमें स्थान परिवर्तन की क्षमता है। हाँ, दो तरह की चीजें हैं। हो सकता है कि चीज अभी किसी ऐसी चीज में पेनिट्रेट हो, ऐसी चीज में समाहित हो जो इधर से उधर करने में अभी की नहीं जा सकती, इधर से उधर। जैसे पुल है, लेकिन पुल को तोड़ लो, ऐसा पुल है मान लो लोहे का पुल है, हटा दो, मूवेबल हो गया। जब तक सेट था उसमें इमूवेबल स्थिति में है। तो मूवेबल और इमूवेबल दो तरह की प्रॉपर्टी हुई। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्यों बनाया, देखो थोड़ा सा समझो। सबसे पहले इन सारी संपत्तियों के लिए एक एक्ट जिसकी आवश्यकता पड़ी थी वो था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये सब सेकंड लॉ कमीशन ने बनाए 1858 में। ऐसा हुआ 1857 में देश में क्रांति हुई, क्रांति हुई तो एक बार लगा कि यहां से तो भागना ही पड़ेगा अंग्रेजों को, तो 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाए और उसमें उन्हें लगा कि अपने यहाँ के जो कानून है उन सारों को लगा दो। तो सबसे पहले, चूंकि उससे सबसे पहले क्या था, सबसे पहले ये था कि पहले तो यहाँ व्यवस्था को बनाए रखो, ये संपत्तियां और ये तो बाद की बातें हैं। तो सबसे पहले क्रिमिनल लॉज को लाया, और जब क्रिमिनल लॉ आ गए, कल से आइंदा गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं आना नहीं क्लास, आधा टाइम इसी में खराब हो रहा है। तो सबसे पहले उन्हें लेके आए, बाद में लगा कि ये वाले जो सिविल लॉज वाले हैं ये भी चाहिए, तो इसमें कौन सा बनाया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पहले बनाया। तो आके पहले सबसे आगे बैठ गए, अब क्या समझोगे इतनी देर से लेक्चर चल रहा है। तो ये एक्ट बनाया है ना। तो इसमें क्या किया उन्होंने, 238 सेक्शंस बनाए। जब 238 सेक्शन बनाए, इसमें सारा डाल दिया उन्होंने पहले शुरू शुरू में। जब एक्ट आगे चले तो बोले ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया, इसमें से कुछ चीजों को अलग करो। तो 1930 में क्या किया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट को अलग कर दिया इससे। देखो एक्ट की, जैसे अभी नए एक्ट बने, हमेशा 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 जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ती जाती है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग और मान्यताओं के अकॉर्डिंग, आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग चेंज आते ही रहते हैं और हमेशा आते ही रहेंगे। इसका कोई फिक्स वो नहीं है कि हमेशा ये परमानेंट है, परमानेंट कुछ नहीं है। 1930 में सेल ऑफ गुड्स एक्ट कर दिया, और 1932 में पार्टनरशिप एक्ट को अलग कर लिया। थे इसी के हिस्से, अभी आप देखोगे तो बीच बीच में ये हिस्से हैं नहीं, यहां ब्लैंक एक्ट। जैसे आप चलेंगे तो कहां तक चलेंगे, 75 तक, फिर 76 से ब्लैंक है ना, फिर 123 तक से फिर शुरू हो जाए। तो ये इसी इसी तरह का कारण था। तो जो चल संपत्तियां थी जिनको इधर से उधर सेल करना था या इधर से उधर ट्रांसफर करना था, सेल में भी तो क्या हो रहा है, ट्रांसफर ही तो हो रहा है। तो जो इस तरह ट्रांसफर होती थी तो उनके लिए तो क्या किया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट को लाए। जैसे कोई किसी को कार बेचनी हो, क्या बेचनी हो, कार, आपका वो संपत्ति है सर। हाँ संपत्ति तो है, लेकिन सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजन लागू होंगे। कार क्या है, गुड्स है, कार क्या है, गुड्स। गुड्स का मतलब माल, हिंदी में बोलते हैं माल, क्या बोलते हैं। अब आप कहोगे सर माल तो कभी कहा नहीं हमने हमारी कार को, हमारी मोटरसाइकिल को, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, कैसे आए हो, खड़े क्यों हो, बैठ जाओ, कैसे आए हो। माल में ही आए हो। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो
कॉलेज मतलब 12वीं तक कॉलेज में पढ़े, 6वीं से 12वीं तक कॉलेज, और 12वीं के बाद फिर ग्रेजुएशन वाले भी कॉलेज ही थे, जहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे वहां भी कॉलेज था। तो 12वीं तक तो देखा नहीं कभी तक ऐसा, लेकिन जब जैसे अलीगढ़ में कॉलेज में पढ़ने गए तो नए नए थे, जूनियर थे, तो वहां ये भाषा चलती थी, और देख क्या माल आ रहा है, नहीं समझ में नहीं माल क्या है, गांव में हमारे चलता ही नहीं था, गांव के थे, तो लड़कों ने लड़कियों का नाम रख रखा माल आ रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें नहीं, यहां माल का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी, यहां माल का मतलब प्रॉपर्टी, व्यक्ति प्रॉपर्टी में नहीं आता, व्यक्ति प्रॉपर्टी में नहीं आता, लोगों के माल मतलब लोगों के खरीदना बेचना लोगों का भी रहा है। आज भी उड़ीसा से बिहार से महिलाएं खरीद लाते हैं हरियाणा के लोग, क्योंकि वहां सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा खराब हो रहा है, शादियां नहीं होती हैं, हजारों बल्कि लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी शादियां नहीं होती हैं, तो वो खरीद लाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं माल नहीं है यहाँ, सेल का मतलब यहाँ गुड्स। तो जैसे माल की डेफिनेशन दे रखी है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, तो माल की डेफिनेशन क्या दे रखी है, सभी प्रकार की चल संपत्तियां जिसमें सम्मिलित हैं। अब उसमें अलग अलग जैसे स्टॉक, शेयर्स, ये ठीक है ना, तो ये तो उसमें आते हैं, माल में आते हैं, लेकिन कुछ चीजें जैसे रुपया, रुपया नहीं आता, ठीक है ना। तो इन सारे माल को बेचने के लिए कौन सा एक्ट की जरूरत पड़ती है, सेल ऑफ सेल्स नहीं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल्स बोलते हैं बहुत सारे बच्चे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, माल विक्रय अधिनियम, कौन सा है, माल विक्रय अधिनियम 1930। फिर ये किसके लिए आता है काम, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए। तो क्या ये सिर्फ अचल संपत्ति के लिए है ना, आगे बताऊंगा, इसके तीन हिस्से हैं, कितने हिस्से हैं, तीन हिस्से हैं, लेकिन मैक्सिमम किसके काम आता है, मैक्सिमम काम आता है अचल के लिए। चल के तो ये आ गया ना, चल के लिए तो ये आ गया। अब प्रश्न उठता है कि क्या ये पूर्ण है ना अपूर्ण है, आपने अपूर्ण क्यों कहा, इसलिए कहा कि खरीदना और बेचना, खरीदना और बेचना क्या चीज है जी, आप इलेक्ट्रिक रिक्शे से आए, क्या पैसे दिए उसको, बैठ के बता दे, हर बात में खड़ा होता है, पहले खड़ा होगा फिर बताएगा फिर चेहरा बनाएगा, सीधे बता देते, देर में 20 रुपए दिए, 20 रुपए दिए, कितने रुपए दिए, 20 रुपए, पता है इन्होंने वहां उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, अपने घर से चले राजस्थली तक छोड़ा, ये कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बदले उसका छोड़ना इनके लिए प्रतिफल है, और इनके द्वारा 20 रुपए उसे देना उसके लिए प्रतिफल है, कंसिडरेशन है। तो कंसिडरेशन एक दूसरे के लिए एक्सचेंज हो रहा है, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। सुबह से शाम तक सैकड़ों कॉन्ट्रैक्ट करते हो आप, कभी चाय वाले के जाते हो, कभी पान वाले के जाते हो, कभी और कोई काम करते हो, यहां भी आए हो, ये सब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। तो आगे हम जैसे ही हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे एक सेक्शन में लिख दिया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे प्रोविजन इसमें लागू होंगे, मतलब एग्रीमेंट जहां जहां खरीदना बेचना आएगा तो वहां पर पक्षकारों के द्वारा अपनी सहमति, मतलब सहमति अर्थात एग्रीमेंट, एग्रीमेंट करना होगा। तो जब एग्रीमेंट करना होगा तो वो प्रोविजन कहां से आएंगे, वो सारे के सारे कहां के प्रोविजन है वो, तो एक क्या समझ में आया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक साथ इसके साथ जुड़ा हुआ चलेगा। जब भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ रहे हो, जहां भी कोई खरीदने बेचने की बात आ रही है, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साथ साथ चल रहा है, इसी में सेट है। बिल्कुल ऐसी ही बात है, जैसे
आईपीसी में एक सेक्शन सिक्स था, आईपीसी में एक सेक्शन सिक्स, आईपीसी में सेक्शन सिक्स ना होता तो 511 की जगह पर कितनी धाराएं हो जाती, 5011 हो जाती। एक सेक्शन से ही क्या कर दिया चीजों को। यदि ऐसे ही पूरा लिखते तो क्या करना पड़ता है इनको, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा लिखना पड़ता है। तो इसमें सेक्शन 4 लिख के ही क्या कर दिया, सबको कनेक्ट कर दिया, सब कनेक्ट हो गया पूरा, ठीक है ना। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन आएंगे तो आपको क्या समझ में आया, पहले पहले मोटा मोटा कि संपत्ति अंतरण अधिनियम मुख्य रूप से अचल संपत्ति के ट्रांसफर के लिए काम आता है। दिस एक्ट यूज फॉर द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज और सेल ऑफ गुड्स एक्ट चल संपत्ति के लिए काम आता है। किसके लिए आता है काम, चल संपत्ति के लिए। ये वाला अब आपके सिलेबस में यहां नहीं है, बाकी जैसे यूपी में, एमपी में और दूसरी जगह ऐसी जगह है जिनमें ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट दिया हुआ है, आप लोगों के अभी सिलेबस में ये नहीं है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। पहले था, पहले जब 46 एक्ट थे तब पहले था, अभी तो सबसे छोटा छोटा सिलेबस है। लेकिन इस सिलेबस में जितना छोटा सिलेबस होता जाएगा उतना ही माहिर होना पड़ेगा। स्टूडेंट सोचते छोटा सिलेबस हो गया अब हम पास हो जाएंगे, अरे कैसे हो जाओगे, अब तो और ज्यादा टफ हो जाए। जितना छोटा सिलेबस, मान लो जैसे सीपीसी या सीआरपीसी पे ही टेस्ट हो जाए वो तो उतना ही टफ हो गया, उतना ही कम भाग रह गया। जैसे भाग्य का मतलब कोई तुक्का, जब सिलेबस बहुत बड़ा था वहां तुक्का लग सकता था, यहां कोई तुक्का नहीं लगेगा, 15-16 एक्ट सारे ही हैं। इसमें तो माहिर से माहिर, इसमें ज्यादा टफ हो गया एग्जाम। जितने छोटा सिलेबस उतना ही टफ एग्जाम, जितना बड़ा सिलेबस उतना ही आसान एग्जाम। बच्चे कहते अरे सर बहुत बढ़िया हो गया छोटा सिलेबस, अब तो हम पास हो जाएंगे। कहां से पास हो जाएगा, जब माहिर होना पड़ेगा हर एक्ट में, बहुत माहिर। तो ये आपके बात समझ में आ गई। अब बात आती है, हम अब अंदर चलते हैं, यहां से मैंने एक कंसेप्ट आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की। इस एक्ट में अब अंदर हम चलेंगे। अब देखो एक काम तो आपको ये करना है कि कोई सी एक टेक्स्ट बुक परचेज करनी है। संपत्ति अंतरण अधिनियम का डायरेक्ट तो आप पे होगा, सबको बेरेक्ट रखना है। देखा जाए तो हिंदी या अंग्रेजी में देखा जाए तो इतना ही है, आधा तो इंग्लिश है ना इसमें, और भी पतला इतना सही है, लेकिन किताब इतनी मोटी है। तो मैं एक खुद किताब हूं, तो किताब में से क्या है कंसेप्ट समझते हो। यहाँ एक जीवित व्यक्ति ही खड़ा है आपको पढ़ा रहा है, बता रहा है, हर लाइन को बता रहा है, तो मैं खुद भी किताब ही हूं, फिर भी आप पे एक किताब होनी चाहिए। तो बाजार से जो भी ठीक लग रही हो आपको कोई सी ले लो, सारी में लगवा लगवा सबने एक दूसरे को कॉपी कर रखी है किताब, तो कोई सी जो आपको ठीक लगे, हिंदी की है हिंदी में ले लेना, इंग्लिश की है इंग्लिश में ले लेना, ठीक है। इसमें जो लाइनें लिखी हुई हैं उनको समझाने का एरिया है तो मैं समझाऊंगा, उसमें भी एक प्रोफेसर ने किसी ने लिखा होगा तो वो भी थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करेगा, उनमें फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और प्रिवी काउंसिल तक के जजमेंट्स भी दिए हुए होंगे, उन जजमेंट्स में आपको कोर्ट समझा रही है उन्हीं लाइनों को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी समझा रही है कि ये इसका मतलब ये है, अर्थ निकाल रही है उसका, ऐसे करके आप उन सब चीजों को समझोगे। तो एक एक किताब परचेज कर लेना। अब देखो इसके मोटा मोटा करें तो पहले तो दो हिस्से होते हैं, इस एक्ट के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा 53A तक होता है, 53A तक के एक हिस्से को मान लें, और 53A से मतलब 54 से लेके 54 से लेकर 137 तक का एक हिस्सा मान लें। दो हिस्से हो गए, पहले हम अभी करेंगे और हिस्से भी होंगे इसके,
तो दो हिस्से हो गए। तो दोनों हिस्सों में क्या क्या है, जैसे कभी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा आपने, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था ना, मेरा पढ़ने का मतलब है आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, लॉ के ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, तो उसमें क्या दे रखा है कि 1 से लेकर 75 तक जनरल प्रिंसिपल्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा करने के सामान्य सिद्धांत हैं वो। मतलब कोई संविदा कैसे होती है, वो सिद्धांत सब जगह एप्लीकेबल है, तो वो सिद्धांत दिए हुए हैं। फिर जैसे आप 123 से चलेंगे कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। अब बार बार कॉन्ट्रैक्ट, आप जब टीपी पढ़ेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट की कुछ बातें बार बार आएंगी, पर मैं कॉन्ट्रैक्ट को भी थोड़ा थोड़ा आपको जरूरत के हिसाब से पढ़ाता जाऊंगा। तो उसमें क्या है, उसको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इन दिस पार्ट सेवरल कॉन्ट्रैक्ट्स आर देयर एंड विच हैव स्पेसिफिक नेम्स, उनके अपने नाम हैं। नाम है कॉन्ट्रैक्ट के, अपने नाम है। हाँ, क्या नाम है कॉन्ट्रैक्ट के? जैसे हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कौन सा नाम सुना है या बेलमेंट, क्या बोलते हैं हिंदी में? उपनिधान की संविदा। किसकी? उपनिधान की संविदा। उपनिधान की संविदा क्या होती है जी, हमें तो पता ही नहीं, नाम ही पहली बार सुना। हो सकता है आप में कई ऐसे होगा, मतलब पहली बार नाम सुना। उपनिधान की संविदा ये होती है, मैंने इसको लोचन को कहा कि कहां जा रहे हो, सर घर जा रहा हूं, कि ठीक है घर जा रहे हो तो उधर ही एक सर्विस सेंटर आज मेरे लिए कार लेके चले जाना, वहां दे देना। बोले हाँ ठीक है सर। सर मैं थोड़ा सा मालवीय नगर तक हुआ हूं। मैंने कहा हो आना। तो मालवीय नगर तक होके आना इसका एक अपना काम है, मेरी कार लेके चला गया मालवीय नगर, अपना काम किया, काम के बाद कहां सर्विस सेंटर पर गाड़ी छोड़ देना। तो मेरा इसके साथ क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हाँ ठीक है तुम इसे को लेके चले जाओ वहां से। तो या तो मुझे वापस करनी थी कार, या जिसको मैंने कहा उसको वापस देनी है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं उपनिधान का, उपनिधान की संविदा। उसमें दो पार्टी हैं। अब जब कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक होता है तो प्रोमिसर और प्रोमिसी के नाम होते हैं। क्या होते हैं? नाम। कॉन्ट्रैक्ट में सामान्य तौर पर नाम होता है वचनदाता प्रोमिसर और एक प्रोमेसी वचन ग्रहीता। ये नाम तो सुने ना, वचनदाता वचन ग्रहीता। तो जो वचन देता है, जैसे मान लो मैंने चाय मंगाई, चाय वाले से कहा मैं भाई साहब चाय लेके आना, तो उन्होंने कहा ठीक है चाय ला रहा हूं, तो जी दो दो लाना। पता मैंने क्या कहा, मैंने उसे प्रस्ताव दिया। क्या प्रस्ताव दिया? कि चाय वाले भाई साहब दो चाय ले आना, इसके बदले मैं आपको 40 रुपए देने का वचन देता हूं। ये मेरा प्रस्ताव है उनको, मैं ऐसा नहीं बोला, मैंने सिर्फ कहा दो चाय ले आना। सामान्य तौर पर कानून की भाषा में वो प्रस्ताव कैसा है कि चाय वाले भाई साहब दो चाय ले आना, मैं आपको 40 रुपए देने का वचन देता हूं। ये बात बोली है मैंने, लेकिन मैंने शॉर्ट में बोली दो चाय ले आना, इशारे से भी हो सकती है, लेकिन वो क्या है, प्रस्ताव है। और इसी भाषा में जो भाषा मैंने अभी बताई, तो वो भाषा कैसी है, वो छिपी हुई भाषा है, वो यही मानी जाएगी आपने ये बोला था। क्या मानी जाएगी? तो मैं कौन हो गया? वचन दाता। चाय वाला कौन हो गया? वचन ग्रहीता। वचन दाता वचन ग्रहीता। तो जब वचन दाता वचन ग्रहीता स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं तो इनके नाम बदल जाते हैं। नाम कैसे बदल जाते हैं? उपनिहिति उपनिधाता, बेलर और बेली,
ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई प्रोग्राम होता है तो टेंट वाले से सामान लाते हैं ना, टेंट वाले से सामान लाते हैं, अपना काम किया उसको वापस दे आते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट किसका था? उपनिधान की संविदा। ऐसा भी हो सकता था सेठ जी ने कहा कि भाई वो सामान तुम्हारे यहां चला गया, परसों उनके साथ ही उनको दे देना, दूसरों को दे दिया हमने। तो ये संविदा कैसी है? उपनिधान की संविदा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अलावा और भी कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस और भी कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो उसमें क्या है? अलग अलग संविदाओं के नाम हैं। क्या है? नाम है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पहले तो 75 तो क्या थे? जनरल प्रिंसिपल। मतलब हर कॉन्ट्रैक्ट में, एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट में भी, हर कॉन्ट्रैक्ट में ये सामान्य सिद्धांत तो लागू होंगे ही होंगे, चाहे वो बेलमेंट वाला करो, चाहे प्लेस वाला करो, चाहे एजेंसी का करो, चाहे इंडेमनिटी का करो, चाहे गारंटी का करो, ये सब कॉन्ट्रैक्टों के नाम है। इसलिए उसको कहा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट या स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। तो वो एक एरिया अलग हो गया, ठीक है। ऐसे ही संपत्ति अंतरण अधिनियम में है, तो पहला 53A तक का जो पार्ट था उसमें क्या था? जनरल प्रिंसिपल्स हैं। क्या है वो? अब कोई प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होती है, ये 54 से पता लगती है। छह तरीके बता रखे। कितने तरीके? छह तरीके बता रखे हैं कि कोई प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होती है। एक कंसेप्ट आपको थोड़ा सा क्रॉस करना, जैसे सेल है, एक शब्द है सेल, विक्रय, टीपी में भी आएगा सेल। तो सेल है, सेल का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी में जो अधिकार है, जो हक है, जो टाइटल है, टाइटल एक से दूसरे व्यक्ति में जा रहा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में टाइटल जा रहा है, तो वो सेल है। एक शब्द है मॉर्गेज। क्या शब्द है? मॉर्गेज। मॉर्गेज में भी क्या होता है? टाइटल जाता है एक से दूसरे में, टाइटल उसमें भी जाता है। तो मॉर्गेज भी क्या है? एक टाइप का ट्रांसफर। क्या है मॉर्गेज? वो भी ट्रांसफर ही है। मॉर्गेज भी क्या है? ट्रांसफर ही है। क्या है? क्या ट्रांसफर है? जैसे अलग अलग होते हैं, जैसे मॉर्गेज का एक स्वरूप है, जैसे मैंने आपको अपनी संपत्ति दी, मैंने कहा ब्याज तो दूंगा नहीं, देखो संपत्ति मैंने आपको दे दी है, और फिर जब तक आप संपत्ति को उपभोग कर लो, तो उपभोग का अधिकार दे दिया। यूज़ फ्रैक्चुअरी मॉर्गेज। तो क्या किया हमने? उपभोग का अधिकार दिया, उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी बेशक आ जाए, यदि हम पैसे दे देते हैं। लेकिन वो भी क्या है? ट्रांसफर है। क्या है वो? ट्रांसफर है। ऐसे ही जैसे मान लो एक खेत मेरा इधर है, आपका उधर है, या आपका मकान उधर है, मेरा इधर मकान है, तो मेरे को ऑफिस आपकी तरफ है, आपका ऑफिस मेरी तरफ है, हम दोनों तय किया यार मकान को एक्सचेंज कर लेते हैं। ये भी क्या है? एक तरीका ट्रांसफर। तो क्या समझ में आया कि 54 से लेके 137 तक ट्रांसफर के, अरे वो कॉन्ट्रैक्ट बता रहा था स्पेशल वाला, यहाँ स्पेशल नहीं। वैसे ये ध्यान रखिएगा, ये भी सारे कॉन्ट्रैक्ट ही हैं, सारे के सारे ये भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, इनमें भी वही प्रोविजन है, वो प्रोविजन अपने आप ऐड हो जाएंगे इनके साथ। तो मोड ऑफ ट्रांसफर है, अंतरण के तरीके हैं। क्या हैं वो? अंतरण के तरीके। वो कहां से कहां तक दे रखे? 54 से 137 तक। जैसे एक आदमी अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देता है, क्या कर देता है? गिफ्ट कर देता है।
और आपने उस गिफ्ट को स्वीकार कर लिया, आपकी होगी प्रॉपर्टी। जब प्रॉपर्टी आपकी हो गई, गिफ्ट आपने स्वीकार कर लिया, तो ये भी एक मोड है, ये भी क्या है, मोड है। और ध्यान रखिएगा, जितने भी ट्रांसफर के मोड हैं सब कॉन्ट्रैक्ट हैं। क्या है ये? सब कॉन्ट्रैक्ट हैं। गिफ्ट भी, हां ये भी। तो क्या समझ में आया कि एक तरह से दो हिस्से, एक में जनरल प्रिंसिपल पढ़ने हैं और एक में मोड पढ़ने हैं। अब जनरल प्रिंसिपल्स के भी दो हिस्से किए जा सकते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स के भी दो हिस्से किए जा सकते हैं। एक तो विशुद्ध अचल संपत्ति के लिए है, जैसे हम चलते हैं सेक्शन 1 से लेकर 34 तक का पार्ट जो है वो 35 तक, 37 तक, 37 तक का, 37 तक का पार्ट है। वो जो सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत दोनों पर लागू होते हैं। किस पे? चल पे भी हो जाएगा, चल पे भी हो जाएगा। मतलब क्या समझ में? सेक्शन 1 से चलेंगे, 37 तक चलेंगे, वो प्रिंसिपल ऐसे बनाए गए हैं जो सब पर लागू होते हैं। जैसे एक आदमी, एक कंसेप्ट थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा फिर आगे। एक आदमी ए है, इसके एक डब्लू है, डब्लू से एस का जन्म हुआ और एक डी का जन्म हुआ, ठीक है। एस पता लगा कि बड़ा तो हो गया, लेकिन ये बदमाश है, शराबी कबाबी है, मजे करता फिरता है। उन्होंने कहा जो भी प्रॉपर्टी कमाई है सब इधर चली जाएगी। तो उन्होंने कहा, पत्नी ने इससे कहा, एक ऐसा बनाओ ना कि जिसकी शादी कर देते हैं, जो भी वाइफ आएगी, जिससे बच्चे पैदा होंगे, इसकी प्रॉपर्टी इसके बच्चों को चली जाए। प्रॉपर्टी के कहां चली जाए? बच्चों को। अब प्रॉपर्टी के साथ में एक समस्या है, क्या? कि प्रॉपर्टी स्वामी विहीन नहीं होती है। प्रॉपर्टी का हरेक का कोई ना कोई स्वामी है। जैसे आप इस बिल्डिंग में बैठे हो, इसका भी कोई स्वामी है, स्वामी मतलब ओनर। सड़क पर चले गए तो सड़क पर भी स्वामी है, स्टेट गवर्नमेंट स्वामी है। मतलब प्रॉपर्टी रेस नलिस नहीं होती है, रेस नलिस स्वामी भी। प्रॉपर्टी का कोई ना कोई स्वामी होगा। आप कहोगे जी नहीं, हमारे यहाँ गांव में पढ़ा है, एक चरागा पढ़ा है, उसमें कोई स्वामी नहीं। नहीं है, सरकार है, सरकार है, तो कोई प्रॉपर्टी स्वामी विहीन नहीं है। तो प्रॉपर्टी स्वामी के बिना नहीं रहती है, स्वामी चाहिए। तो जैसे ही इसने अपने कागज में लिख दिया कि मेरी प्रॉपर्टी, मतलब सेकंड्स में, सेकंड में ही प्रॉपर्टी दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। मतलब मान लो ये मर जाए, ये मर जाए, तो ये प्रॉपर्टी अपने आप इनमें वेस्टेड हो जाती है। ये छोटे छोटे, इनके पास अधिकार बाद में आ जाएगा, लेकिन वेस्टेड हो जाएगा। वेस्टेड का मतलब समाहित हो जाएगा, निहित हो जाएगा। तो वो इनका जो हित या टाइटल है वो समाहित हो जाता है। तो इसने क्या किया कि ऐसा कोई पति पत्नी सोचा, ऐसा कोई व्यवस्था बनाओ कि इसकी प्रॉपर्टी इसके बच्चों को चली जाए। कौन सी वाली जाए? कि जो हमारे पास कैश वैश रखा है, हमारी मोटरसाइकिल, स्कूटर, घर मकान सब चला जाए। तो उसमें चल भी चली गई, अचल भी चली गई, और कहां जा रही है? प्रॉपर्टी जा रही है इसके चाइल्ड को। इसका अधिकार नहीं है, लेकिन इसका अधिकार कैसा है? क्योंकि प्रॉपर्टी बिना स्वामी के नहीं रहती है। तो तब तक प्रॉपर्टी इसके पास रही, ना इसे बेच सकता है, ना कुछ, बस ठीक है उपभोग करता रहे, नाम इसके पड़ी रहेगी। लेकिन जैसे ये बड़ा होगा, 18 साल का होगा, इस प्रॉपर्टी में चली जाएगी।
ऐसा प्रोविजन है क्या? हाँ, आगे प्रोविजन पढ़ाएंगे, अभी मैं आपको कोई प्रोविजन नहीं पढ़ाया, मैं तो आपसे एक जनरल बात कर रहा हूँ। एक किसान आदमी भी यहाँ बैठा होता, जितनी बातें मैंने बताई है उसको भी समझ में आता, अनपढ़ को भी समझ में आता। मैंने आपको अभी कोई टेक्निकल टिपिकल बात बताई नहीं, अभी मेरी एंट्री हुई नहीं है टीपीए में, अभी तो मैं टीपीए पढ़ाने का माहौल बना रहा हूं। तो ये प्रोविजन, तो ये कहां प्रोविजन आएंगे? 37 से पहले, 37 से पहले का प्रोविजन है। तो ऐसे प्रॉपर्टी जा सकती है? जा सकती है। कोई भी आदमी जिसने जिसने अपनी क्षमता अपनी शक्ति लगा के प्रॉपर्टी बनाई, उसको पूरा अधिकार देता है कानून कि वो अपनी प्रॉपर्टी का जैसा चाहे वैसा यूज करे। अब जैसे मैंने आपको अभी प्रॉपर्टी बताई कि प्रॉपर्टी क्या है, लेकिन उससे भी पीछे चले जाओ तो प्रॉपर्टी क्या है? जैसे मैं कहूं मेरी कार खड़ी है नीचे, वो कार नहीं है। ध्यान रखिएगा, आप कहोगे कि सब तो लोहे की कार है ना, वो मेरी ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा, शारीरिक और मानसिक। ऊर्जा रूपांतरित हुई पैसे में, पैसा रूपांतरित हुआ लोहे में, कार में। जनरली हर एक आदमी की क्या है? ऊर्जा है। हम और आप जितना काम करते हैं, जैसे अभी सरकार ने कहा इतने ट्रिलियन की हम इकोनॉमी बनाएंगे, मतलब कैसे बनाएंगे? ऊर्जा, ऊर्जा से संपत्ति बनती है, ऊर्जा से इकोनॉमी बनती है, मतलब लोगों को दौड़ाएंगे, लोग काम करेंगे, ऊर्जा पैदा होगी, ऊर्जा पैदा होगी तो उससे लोहा संपत्तियां और पुल और मकान और ये सब बनेंगे। लेकिन बनेंगे किस चीज से? लोगों की ऊर्जा से ही बनेंगे, ऊर्जा का ही रूपांतरण है। आपने कुछ ऊर्जा करी, उस पर से सरकार ने टैक्स लिया, टैक्स से कुछ लोगों को और ऊर्जा लगाने के लिए दिया, उन्होंने सड़क बना दी, आपकी ही ऊर्जा थी, आपकी एनर्जी है, एनर्जी ही संपत्ति है। वो पार्ट मैंने आपको नहीं बताया था क्योंकि वो एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, जो एक्ट में ये व्यवस्था नहीं है, जो एक्ट के अकॉर्डिंग था वो तो मैंने बता दिया आपको। ये बात आपके समझ में आई होगी। तो ये प्रोविजन दो हिस्से बट गए, एक 38 से लेके 53A तक का और एक 1 से लेके 37 तक का। अब 37 से मैं भी दो हिस्से हो सकते हैं। जैसे पहला पार्ट 1 से लेके 5 तक का, 1 से लेके 5 तक का। 1 से 5 तक का क्या है जी? बल्कि चार तक का, सॉरी, हाँ चार तक का, गलती हो गई मेरे से, इसलिए मुझे देखना भी पड़ा। तो पहला एक पार्ट ये 1 से 4 तक का। तो ये 1 से 4 तक का क्या है? 1 से 4 तक का पार्ट तो ये है, इस कानून को कैसे पढ़ोगे? इसमें कुछ शब्दों का उपयोग होगा। क्या होगा? शब्दों का उपयोग होगा। उन शब्दों का प्रयोग, जो आप उन शब्दों का उपयोग करोगे उनके अर्थ क्या है, ये 1 से 4 में बताए हुए हैं। और 5 से लेकर फिर एक तरह से 37 तक का एक पार्ट हो गया, 38 से लेकर 53A तक का एक पार्ट हो गया, और 54 से लेके 137 तक का एक पार्ट हो। ये तो आपके सबके समझ में आ गए होंगे कैसे कंसेप्ट है। अब बात आती है कि फिर जब एक पार्ट आपने अलग किया तो इसके सारे पार्ट अलग अलग होने चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। आपको ये पता होनी चाहिए, हर चैप्टर एक साथ, चैप्टर बनाते ही नहीं एक साथ ही 137 लिख देते। चैप्टर क्यों बनाए? चैप्टर इसलिए बनाए, एक चैप्टर का जैसे ही चेंज होता है तो उसमें कुछ और बातें होती हैं जिनका संबंध पिछले से आधारित तो होता है ना, समग्र नहीं होता। आधारित होना समग्र नहीं होता, मतलब
उसमें आधारित तो है, बेस तो है, जैसे सीढ़ी, जैसे एक ईंट ये लगी हुई नीचे वाली और ऊपर का ईंट का मतलब सेपरेट है, लेकिन इस पर आधारित है, इस पर बेस्ड है ये, इसलिए चैप्टर्स अलग अलग बने हुए। तो जितने छह के छह मोड हैं उनके सबके अलग अलग चैप्टर हैं, छह के छह मोड के अलग अलग चैप्टर हैं। फिर डेफिनेशन या इंटरप्रिटेशन क्लॉज, तो जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है उसमें इंटरप्रिटेशन क्लॉज में क्या होता है, परिभाषाएं होती हैं, ये परिभाषा इसके ये मीनिंग निकाले जाएंगे, सभी एक्ट्स में है। अब उनमें भी देखा जाए तो दो इंटरप्रिटेशन क्लॉज सामान्यतः अधिकतर एक्ट्स में सेक्शन 2 से शुरू होता है, लेकिन पहला सेक्शन किसके लिए होता है, पहला सेक्शन इस बात के लिए होता है, इस बात का द्योतक होता है कि जो कानून आप पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, कहां कहां तक यूज होगा, कैसे यूज होगा, तो नाम बताया हुआ होता है, इसका मतलब पहले सेक्शन का। लेकिन ध्यान रखिएगा हर एक्ट में नहीं, हर एक्ट में ही नहीं है इसका मतलब यही, कुछ एक्ट ऐसे हो सकते हैं जिसमें पहले सेक्शन का मतलब ये ना हो। तो पहले सेक्शन का मतलब क्या होता है, पहले सेक्शन का मतलब होता है भाई कानून का, जैसे मैंने लिखा था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, यहां तक बोला, ये नहीं बोला, अधूरा है, इनकम्प्लीट है, रॉन्ग है, क्या बोलूंगा मैं, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 नहीं बोला तो बेकार है, साइटेशन बोलना पड़ेगा तभी कंप्लीट होगा, एक ही नाम से कई एक्ट हो सकते हैं, इसलिए ये हमेशा ही जब मेन एग्जाम में लिख रहे हो तो हमेशा ही लिखिएगा। तो सेक्शन पहला इस बात का, फिर दूसरे पहले सेक्शन में और क्या बात होती है, ऑब्जेक्ट क्लियर होता है, क्या क्लियर होता है, ऑब्जेक्ट, क्यों बनाया इस कानून को, अर्थात उसमें हर एक एक्ट की एक प्रस्तावना होती है, क्या होती है, प्रस्तावना, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्यों बनाते हैं किसी में भी, जैसे इसका नाम है ना, नाम तो सिर्फ इतना ही इंगित करता है कि इस नाम का एक एक्ट है, प्रीएम्बल क्या बताती है, प्रीएम्बल क्या बताती है, देखो भारत में अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग, धर्म का मतलब क्या है सर, धर्म का मतलब है एक प्रकार की पूजा पद्धति, इनकी पूजा पद्धति अलग, मेरी पूजा पद्धति अलग, आपकी पूजा पद्धति अलग, सबकी अलग अलग, कोई लेना देना नहीं है। भारत में वैसे बहुत बड़ी समस्या है आज, और भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में है समस्या कि मेरी पूजा पद्धति ज्यादा शानदार, तुम्हारी पूजा पद्धति अच्छी नहीं है, तुम भी मेरी पूजा पद्धति अपनाओ, पूरे देश में लड़ाई है, संसार में लड़ाई है, और क्यों चाहता है हर आदमी, तुम मेरी पूजा पद्धति अपना लो। अब ये पूजा पद्धतियां कहां से आई, कुछ लोगों ने अपनी शरीर की ऊर्जा सामर्थ्य और ये सब लगाया तो एक सिस्टम बनाया, सिस्टम बनाया तो ये सिस्टम उनके समझ और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार बने, जब उनके समझ और आवश्यकताओं के अनुसार बने, जैसे मोहम्मद साहब ने करीब 636 ईस्वी में मुस्लिम धर्म की टीचिंग्स दी, मुस्लिम धर्म की टीचिंग्स दी जैसे, तो उनमें अपनी अलग अलग बातें थी। अब चूंकि उस धर्म का आविर्भाव ऐसे स्थान पर हुआ जहां एक टाइप का डेजर्ट और
अलग तरह की आवश्यकता थी, तो वहां के हिसाब से उन्होंने कि जीवन पद्धति को बनाना, उसी हिसाब से लोगों के कपड़े पहनना ओढ़ना ये सब चीजें सेट हुई। उसी हिसाब के लिए उनकी संपत्ति का ट्रांसफर, संपत्ति के तो वो कानून वो नियम भी तय हुए। अब जैसे ऐसे व्यक्ति की समझ बढ़ी तो पूरे व्यक्ति पूरी जिंदगी दौड़ लगाता है एक ही चीज के लिए, वो संपत्ति। किसके लिए? संपत्ति के लिए दौड़ लगाता है। तो संपत्ति के लिए दौड़ लगाई तो पृथ्वी पे ही वो एरिया जहां मुस्लिम धर्म हुआ, पृथ्वी पे ही भारत, तो वहां के व्यक्ति धीमे धीमे देख के, क्योंकि वहां पेड़ पौधे नहीं थे, यहां पेड़ पौधे और हरी भरी चीजें, यहां देख देख के इधर माइग्रेट हो गए। जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान में आता है तो लड़ाई झगड़े होते ही है। देखा नहीं आपने? गली के कुत्तों को देख लो आप, एक बार गली का कुत्ता दूसरे एरिया से दूसरे एरिया में आ जाए, सारे हैं तो एक ही जाति के कुत्ते ही हैं, लेकिन झपट पटते मार ही डालते हैं दूसरे कुत्ते को। आदमी भी, आदमी के लिए भी कहा गया है एक सिविलाइज्ड एनिमल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन सिविलाइज्ड एनिमल में भी वही आदत है, दूसरी जगह जाएगा तो वहां मारेगा या वहां आया है तो दूसरा मारेगा, स्थिति तो वही है, स्थिति में ज्यादा चेंज नहीं है। तो वो लोग यहां आए तो यहां झगड़े टंटे हुए, फिर समस्या क्या आई, क्योंकि तरीके अलग हैं, और तरीके अलग क्यों डेवलप हुए, क्योंकि दो चीजें, दो व्यवस्थाएं अलग अलग स्थानों पर डेवलप हुई, यहां की आवश्यकता अलग। जैसे पानी है, पानी है तो वहां पानी बहुत कम है तो वहां बचा के रखेंगे, और जब पानी खूब ज्यादा है वहां बचाएंगे नहीं। जैसे पूजा से पहले थोड़ा सा शुद्ध होना चाहिए, तो उन्होंने पानी को यूं लेकर यूं हाथ धोना शुरू किया, क्योंकि पानी यहां तक, थोड़ा पानी लेंगे तो नीचे तक आ जाए, ठीक है ना। तो ये क्या कंसेप्ट है, और स्थान स्थानों के अनुसार डेवलप हुए, वहां से लोग यहां आ गए, पानी के स्थान पर भी आ गए। जैसे महावीर स्वामी का धर्म, महावीर स्वामी ने जब पता लगा तो उन्होंने धीमे धीमे जीर्ण शीर्ण हो गए, कपड़े उतार दिए, कपड़े उतारे नहीं बल्कि कहीं झाड़ में अटक गए तो वो सब वो भी खत्म हो गए, उन्होंने कहा कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसा ही पैदा हुआ तो ऐसे ही रह लें, क्या दिक्कत आ रही कपड़ों की। लेकिन आज भी आपने देखा वो बहुत सारे लोग उन्हीं का अनुसरण करते हुए नंगे घूमते हैं, क्योंकि कपड़ों की आज कोई दिक्कत नहीं है। अब वो रात में खाना नहीं खाते थे, तो रात में खाना ना खाने के कारण थे कीड़े, वो अहिंसा का सिद्धांत उन्होंने अपनाया कि कीड़े मकोड़े नहीं आए। लेकिन ये अब तो लाइट भी है, जैसे बाहर दिन होता है उससे भी अच्छा दिन यहाँ हो सकता है। तो ये मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि ये जो सिद्धांत जो धर्म के थे, तो धर्म किन के लिए था? व्यक्तियों के लिए, व्यक्तियों को सेट करना, तो उन व्यक्तियों को सेट करना था, तो व्यक्तियों के पास क्या थी? प्रॉपर्टी भी थी, तो उसके लिए भी नियम बनाए। क्या बनाए? नियम बनाए। जब उनके लिए नियम बने तो एक समुदाय लंबे समय तक एक प्रकार के नियमों में रचा बसा हुआ है। जैसे नियमों से चेंज करते हैं तो उसे दिक्कत आती है, नहीं नहीं हमारे नियम ऐसे नहीं। अब दोनों के अलग अलग नियम, मृत्यु का अलग नियम, जीवन का अलग नियम, तो दोनों के वो तो चल जाएंगे, लेकिन संपत्ति को इससे क्या लेना देना कि कोई मुस्लिम है या कोई हिंदू है या कोई क्रिश्चियन है या कोई सिख है, ईसाई है, इससे क्या लेना देना? संपत्ति संपत्ति है, उसका स्वामी कौन बनता है? संपत्ति तो ये जानती है कि मेरा स्वामी कभी कोई बना नहीं है, बन भी नहीं सकता, ये तो बेवकूफ है, हमेशा स्वामी बन के बैठ जाते हैं, अपने को बच्चे की तरह समझा लेते हैं मैं स्वामी, और फिर थोड़े दिन बाद चले जाते हैं। और संपत्ति जानती है बहुत अच्छे से थोड़े दिन का मरमरा जाएगा, तो कभी कोई संपत्ति का स्वामी हुआ नहीं, लेकिन एक्ट के अनुसार तो मुझे यही पढ़ाना है ना, स्वामी होता है
नहीं तो प्रॉपर्टी जब स्वामी नहीं होता, स्वामी विहीन होती है तो एस्टेट हो जाती है, राजगामित्व हो जाती है, क्या हो जाती है, राज्य के पास चली जाती है, राजगामित्व हो जाती है एस्टेट। तो जब विभिन्न प्रकार के जब अलग 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 धर्म थे तो धर्मों के अनुसार धर्म से कौन जुड़ा हुआ, व्यक्ति, और व्यक्ति के व्यक्ति किस चीज की दौड़ सबसे ज्यादा कर रहा है, संपत्ति की, और संपत्ति से ज्यादा महिलाओं की, महिलाओं की दौड़। महिलाओं की दौड़ का मतलब क्या है, शादी सिर्फ उस दौड़ का सामाजिक मान्यता है, शादी नहीं करो तो क्या बच्चे पैदा नहीं होंगे, तो भी होंगे, शादी कर लो तो भी होंगे, ठीक है, ये तो आपने मन समझाने के लिए ढोल लगाड़े बना के जाता है, वो आगे जाता है, ये सब एक मान्यता का नाम है, बाकी उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो चूंकि अलग अलग थे तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग नियम बने, और नियम अलग अलग स्थानों पर थे, अलग अलग थे। अब चूंकि टेक्नोलॉजी ये सब चीजें इतनी तेजी से बढ़ी और बढ़ती ही जा रही हैं, तो कल्चरल सिंथेसिस हुआ, तो सब कुछ लोग यहाँ आए, यहाँ के वहां गए, सब हुआ, ये अब एक देश हो गया। तो समस्या ये आई कि शुरुआती दौर में लोगों ने ये सोचा कि क्या करें, बोले झगड़ा ना हो, ऐसा करो इनके लिए इनके नियम बना देते हैं, इनके लिए इनके नियम बना देते हैं। तो हिंदुओं के लिए हिंदू सक्सेशन बना देते हैं, मुस्लिमों के मुस्लिम सक्सेशन बना देते हैं, क्या असर पड़ता है, अलग अलग बन जाएंगे कोर्ट, अलग अलग उस एक्ट को उठाएगी, उससे डिसीजन दे देगी, उस एक्ट को उठाएगी उसी से डिसीजन दे देगी। ऐसे ही विवाह के, ठीक है, सेपरेशन होता है तो मुस्लिमों के लिए अलग एक्ट बना देते हैं, हिंदुओं के लिए अलग एक्ट बना देते हैं। लेकिन यह तय हुआ कि धीमे 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 एक कानून हो जाए तो कंफ्यूजन कम होगा। दूसरी एक समस्या और आएगी कि टाइम लगता है भाई, जैसे कभी ये एक ही तरह का होगा तो टाइम नहीं लगेगा, तो यूनिफॉर्म कर दो उसको, तो उस कोड को, सिविल कोड को यूनिफॉर्म कर दो तो ठीक रहेगा। लेकिन धर्म आड़े आ जाता है, क्यों धर्म क्यों आड़े आ जाता है, एक लंबे समय तक एक जने की स्थिति इस तरह के लालन पालन हुआ, दूसरा इस तरह का, जब सिविल कोड बनाएंगे तो समस्या क्या आएगी, एक ही तरह की चीजें। अब जैसे यदि बहुत ज्यादा मुस्लिम धर्म वाली चीजें डाल दी गई सिविल कोड में तो हिंदू नाराज हो जाएगा, हिंदू की डाल दी गई तो मुस्लिम नाराज हो जाएगा, क्योंकि वो धर्म से जुड़े हुए हैं। मैंने भी आपको क्या बताया, धर्म से जुड़े होने के कारण दोनों अलग अलग हैं, दोनों को दिक्कतें आती हैं। तो भारत के जो शुरुआती दौर के लोग थे उन्होंने कहा में आने दो, तुम अलग तुम्हारे अलग अलग बना देते सब। एक अच्छा उन्होंने विकल्प लिया, उन्होंने कहा जब जितने ज्यादा समझदार हो जाएंगे लोग, पढ़े लिखे हो जाएंगे, थोड़ा सा इस चीज को और समझदार हो जाएंगे, तब फिर चेंज होके एक हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं हो, इकट्ठा चलता रहेगा, लड़ाई तो नहीं होगी ना, कुत्ते बिल्ली की तरह तो नहीं लड़ेंगे। फिर प्रॉपर्टी के संबंध में आई बात, तो संपत्ति अंतरण अधिनियम में क्या करना है, संपत्ति अंतरण अधिनियम में यह करना है कि कुछ पार्ट ऐसा है जो कॉमन है तो वो संपत्ति अंतरण अधिनियम से होने दो ट्रांसफर, और जो अनकॉमन है ना उनके लिए इनके अलग एक्ट, इनके अलग एक्ट। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट अलग और मोमडन्स का अलग, और मेन मेन चीजें जी थी, जैसे आप अभी घर बेचते हो, घर खरीदते हो, तो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, उससे कोई असर नहीं पड़ता टीपीए के। तो ये चीजें थी अंग्रेजों की समझदारी। सिविल सर्विसेज का जब हम एग्जाम देते थे यूपीएससी का, एक क्वेश्चन जनरली आता था
ऐसा नहीं अंग्रेजों ने सिर्फ हमें लूटा, लूटा तो सही क्योंकि यहां से धन के तौर पर लेके गए, लेकिन दूसरी एक अच्छी चीज भी दी उन्होंने, ये कानून उन्हीं की देन है। तो अंग्रेजों की भारत को देन, ये क्वेश्चन भी आता था, एक जैसे साइंटिफिक टेम्परामेंट हमें वहीं से मिला, साइंटिफिक टेम्परामेंट हमें वहीं से मिला। अब देखो यूरोपियन कंट्रीज के पास कुछ नहीं, अच्छी लैंड नहीं, कुछ नहीं, हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन हमारे यहां पाखंड बहुत ज्यादा है, इसलिए हम अभी विकासशील हैं और वो विकसित हो गए। विकसित का मतलब जहां हर लैंड के हर हिस्से को, हर चीज को उन्होंने जिस लेवल पे होना चाहिए उस लेवल तक ले आए हैं, हमारे यहां तो बहुत निम्न स्तर की चीजें भी अभी पूरी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? एक मेजर कारण है हमारे देश का पाखंड, और पाखंड की वजह से अभी जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, बाद में सोचते हो ये भगवान पास करा देना, भगवान कहां से कराएगा, ताल्लुक नहीं है उसका, भगवान का ताल्लुक आपके अंदर बैठा हुआ भगवान है, वो नहीं करा सकता, वो तो कह रहा है आपसे, मन में डालता है ना विचार, अगर पढ़ा कर नहीं तो फेल हो जाएगा, विचार तो बेचारा खूब डाल रहा है, तुम नहीं करते, वो मना ही नहीं करता, आई इसलिए गए क्लास में, भगवान चाहता है नहीं तो तुम आते ही नहीं, कहां चाहता है, अंदर चाहता है, आप जो विचार करते हो वही तो भगवान है, और कौन सा भगवान बैठा है बाहर, ये समझ हमारे विकसित हुई नहीं, आज भी विकसित नहीं हो रही, इसलिए हम लड़ाई झगड़े टंटे करते रहते, सब यूनिफॉर्म सिविल कोड बन जा रहे, बन जाए तो ठीक, ना बने तो ठीक, क्या असर पड़ रहा है उसका, कोई वैसे विशेष यूटिलिटी नहीं है उसकी, किसी को कोई बहुत बड़ा लाभ और किसी को बहुत बड़ी हानि नहीं होनी उससे, ठीक है ना। तो ये जो विभिन्न प्रकार के कानून थे, और कानूनों की ओर देखो, कोई एक धर्म एक व्यवस्था थोड़ी है, आप चले जाओ पीछे साउथ में, वहां अलग 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 समुदाय हैं, उनके तरीके अलग अलग हैं, ऐसे भी हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, लड़की जाती है घोड़े पे बैठ के, लड़के को लेके आती है, जस्ट अपोजिट प्रथा है, लड़की जाती है, लड़की की बारात जाती है, लड़की लड़के को लेकर आती है, लड़का फिर उसके घर पर रहता है, जो काम लड़कियों का यहां होता है वो वहां होता है, उनके संपत्ति के मामले भी उल्टे हैं, लड़की को ही सारी संपत्ति मिलती है, लड़के को कुछ नहीं मिलता, लड़का तो जा रहा है ना दूसरे घर में, लड़का तो पराए धन, पराए घर का धन है, जैसे लड़कियों के लिए यहां बोलते हैं, तो सारा का सारा उल्टा है। एक बार एक झुंझुनू का लड़का और एक सवाई माधोपुर का लड़का, कमांडेंट था मेरा दोस्त था, तो अब उसने देखा कि लड़की ऐसे जा रही है, वो जा रही है, ऐसे जा रही है, तो वहां का सरपंच एक दिन वहां खड़ा था, तो सरपंच से, अब वो बीएसएफ में थे सारे लोग, बीएसएफ में, अब वहां की भाषा को थोड़ा समझ गया था, तो उसकी भाषा में उसने बोला, कैसे आप लोग गमार हो, कभी ऐसा होता है क्या लड़की घोड़े पे जा रही है, लड़के को लेके आ रही है, तुम तो उल्टे ही लोग हो। अब वो वहां का सरपंच था, वो सारे आदिवासी इकट्ठे हो के आगे इकट्ठे हो गए, जो मेरा दोस्त कमांडेंट था, तो वो बोला भाई क्या मामला है, और सारे अब तो भाले लठ ले आए, अब है तो इंडियन ही, बोले हमारे लिए ऐसे बोला कि आपके तो मूर्ख हो, तुम्हारी संपत्ति पद हमारे यहाँ तो आदमी के पास होती है और औरत के पास नहीं होती, तो लड़ाई झगड़े के लिए, तो पूरे भारत में ऐसी स्थिति थी। तो उन्होंने एक बीच का रास्ता 137 सेक्शन बनाए, और उसमें क्या किया, मैं अभी आपको बता रहा हूं कि प्रस्तावना क्या है। तो उन्होंने ये किया कि इन इनको थोड़ा सा साइड कर दो, जहां का एरिया है ना वहां अपने संपत्ति अंतरण अधिनियम का यूज करके और उसका भी उपयोग करके ऐसे सेट कर दो। तो एक एक्ट कई जगह अलग 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 रूप में उपयोग हो रहा है। बात को समझ में आई आपके? जैसे मुस्लिम लॉ के साथ, मुस्लिम लॉ के साथ हो रहा है, साउथ में जो हमारे और छोटे छोटे धर्म हैं उनके साथ हो रहा है, तो उनको समग्र करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए इस एक्ट की आवश्यकता पड़ी, और यही इसका प्रीएम्बल है।
कंसोलिडेशन था इसका इन सबको। तो मेन चीज तो कॉमन चीज थी, उसके लिए 137 सेक्शन बना दिए, बाकी आगे देखेंगे। जैसे अब जैसे मैं जैसे एक शब्द है गिफ्ट, शब्द वही है, मुस्लिम लॉ में जाएंगे तो हिबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिबा हो जाएगा। अब हिबा में और टीपीए के गिफ्ट में अंतर है। हिबा में और टीपीए के गिफ्ट, जो टीपीए के गिफ्ट में अंतर है, शब्दों में ही अंतर है और तरीके में अंतर है। जैसे मैंने आपको गिफ्ट दी और आपका आप उसे स्वीकार नहीं करते ना, तो गिफ्ट डीड कंप्लीट नहीं हुई है। एडमिशन जरूरी है उसका, पूरा कंप्लीट है तभी होगी। आप एडमिट ही नहीं करते तो नहीं होगी गिफ्ट। वहां तो कर दी, स्वीकार की ना की, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो कुछ छोटे छोटे अंतर हैं, तो उनके लिए फिर क्या किया कि जहां तक संभव हो वहां टीपीए को लागू करो। तो मैंने अभी आपको एक बात बताई थी थोड़ी देर पहले, इज इट कंप्लीट एक्ट और नॉट। तो आई सेड इट इज नॉट कंप्लीट, आई सेड इट इज नॉट कंप्लीट। आ जाए सर, आ जाए। देखो क्या है, अब तो दूसरी क्लास का टाइम हो गया है, ठीक है, कल से लेट मत आइएगा, लेट आए तो क्लास में मत आइएगा। बीच में क्लास में आज आ रहे हो कल नहीं आ रहे, सर अभी सबकी अटेंडेंस ले लेना, नहीं आ रहे हो तो फिर आप क्लास कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, मेरे ऊपर बहुत असर पड़ता है, मैं आपको कनेक्ट नहीं कर सकता, पीछे वाला आपको आता नहीं है और मैं आपको बार बार मैं पीछे जाऊंगा फिर आपको समझाऊंगा, और उसके लिए क्या है कि एक दो तीन स्टूडेंट के लिए क्लास डिस्टर्ब होगी, और आप सोचते हो कि सर आपका क्या असर पड़ता है, आप तो पढ़ाए जाना, हमें समझ में आए या ना आए वो नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ मामलों में तो मैं बागेश्वर का बाप हूं, क्योंकि मैं जैसे ही आपका चेहरा देखता हूं तो मुझे पता होती है कि इसके समझ में आ गया इसका नहीं आया, इसको कितना समझ में आ गया या नहीं आया, ये मैं जानता हूं, ठीक है ना। तो इसलिए मेरी क्लास में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं चाहिए, कंटिन्यू करो बहुत बढ़िया, एक जना भी आएगा मेरे लिए उतना ही बढ़िया। अभी जाते हैं ना जैसे ऑनलाइन वाला कोई पढ़ रहा है कोई नहीं पढ़ रहा, छोड़ जाता है तो छोड़ जाता है, वैसे यहां सब दिखता है, ठीक है ना, ऐसी गलती मत करना। तब तक आप इसे उस लेवल तक नहीं ले जा सकते जिसमें सिलेक्शन होते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही, आ जाओ सर। इसके बाद दूसरी क्लास होगी।